हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी को कोई बात कहें और दूसरा इंसान हमारी एक ना माने। ऐसी सिचुएशन में हम अक्सर कहते हैं, उसके कान पर तो जू तक नहीं रेंगती। पर कभी हमने सोचा है हम ही उसे ठीक से कन्विंस ना कर पा रहे हों? इस वीडियो में हम किसी को कन्विंस या पर्सुएट करने के 7 सीक्रेट्स के बारे में आपको बताएंगे। ये सीक्रेट्स 7 सीक्रेट्स ऑफ पर्सुएशन बाय जेम्स सी क्रिम्स की बुक में से लिए गए हैं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से अपनी सेल्स के लिए किसी को पर्सुएट कर सकते हैं, या अपने वाइफ या हस्बैंड को भी अपनी बात मनवाने के लिए इन सीक्रेट्स का इस्तेमाल करके पर्सुएट कर सकते हैं। डिसीजन दो तरह लिए जा सकते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो सोच समझ कर हर एक रैशनल डिसीजन लेते। अनकॉन्शियस माइंड में हमारी मेमोरीज या बिलीफ पर हम डिसीजन लेते हैं। मान लीजिए आप एक कार खरीदना चाहते हैं और आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको होंडा कार रिकमेंड की। ये ऑब्वियस है, आप उसको ही फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। इसलिए नहीं क्योंकि कार आपको पसंद है, पर इसलिए उसको रिकमेंड करने वाला फ्रेंड आपको पसंद है। हमें पता है पिज्जा खाने से हमारा वेट गेन होगा, फिर भी हम उसको खाते हैं, और ये अनहेल्दी फूड हमारे अनकॉन्शियस माइंड की ही पैदा की हुई जरूरत है। कॉग्निटिव साइंटिस्ट्स ने वेरियस स्टडीज करके ये कंक्लूजन निकाला है कि हम मैक्सिमम डिसीजन अनकॉन्शियस माइंड से ही लेते हैं, और इस अनकॉन्शियस माइंड को लिजर्ड माइंड कहते हैं, जिसको पर्सुएड या कन्विंस करने के 7 सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं। सीक्रेट नंबर 1, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द लिजर्ड। मान लीजिए एक टीचर एक डॉक्टर को आसान सी लैंग्वेज में बिना किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किए पढ़ा रहे हैं। ऑब्वियस है डॉक्टर को उनका पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आएगा, पर अगर वही टीचर एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को उनका पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये उनके लेवल की बात है। इसी तरह जब भी हमें किसी को अपनी बात मनवानी है, उनकी पसंद की बात ही करनी चाहिए। बच्चों को पर्सुएड करना है तो बच्चों के इंटरेस्ट की बात करके, और बड़ों को उनके इंटरेस्ट की बात करके। मान लीजिए आप US में हैं और आपको एक चिप्स का पैकेट दिखता है जिस पर इंडियन फ्लैग बना है। आप उस फ्लैग को देख कर चिप्स की ओर जरूर अट्रैक्ट होंगे, लेकिन एक अमेरिकन का उस इंडियन फ्लैग की ओर कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। यही है सीक्रेट नंबर 1, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द लिजर्ड। सीक्रेट नंबर 2, एम at the egg not the attitude। मान लीजिए आपके बच्चे बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं और आप उनको मना करके थक गए हैं, पर वो आपकी एक नहीं सुनते। यहाँ पर आपने उनके एटीट्यूड पर एम किया है। आपने उन्हें कहा है कि फास्ट फूड ना खाएं, जबकि इसका सही तरीका है कि आप उनके एक्ट पर एम करें। आप उन्हें कहें, बच्चों फास्ट फूड खाने के बहुत नुकसान होते हैं, आज से हम फ्रेश फ्रूट मिल्क वेजिटेबल्स खाएंगे। आपने उन्हें ऑप्शन दी फास्ट फूड की जगह हेल्दी फूड की। इस तरह से आपने एक्ट पे एम किया है और इस ऑप्शन को वो कभी ना कभी तो इस्तेमाल करेंगे ही। सीक्रेट नंबर 3, डोंट चेंज द डिजायर फुलफिल देम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी को पर्सुएट करने के लिए हमें लोगों की प्रेफरेंस को बदलना होता है। ये सही नहीं है, हमारा माइंड फ्लेक्सिबल नहीं होता। मान लीजिए आप एक मोबाइल की दुकान चलाते हैं, एक कस्टमर आपके पास आता है और सैमसंग के मोबाइल की डिमांड करता है, और उसको वो मोबाइल बहुत ज्यादा पसंद है, पर आप उसे बताते हैं कि उस फोन से बेटर फोन कम प्राइस में अवेलेबल है। क्योंकि कस्टमर की डिजायर सैमसंग फोन की है, चांसेस है वो कंफ्यूज होकर बाहर चला जाएगा, शायद उसके बेस्ट फ्रेंड ही उसको ये फोन रिकमेंड किया हो। आप किसी को इन्फ्लुएंस तभी कर सकते हैं जब आप उससे उसकी डिजायर के बारे में उससे बात करें और उसकी ये इच्छा पूरी करने में उसकी मदद करें। अगर एक मैन आपके शोरूम से एक कार खरीदने आता है तो वो उसमें थ्रिल ढूंढता है, और अगर एक लेडी कार खरीदने आती है तो वो उसमें सिक्योरिटी ढूंढती है। आपको बस यही जानना है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है और उसको ये बताना है कि वो कैसे मिलेगा। लेडी को बताना है कि कार कितनी ही सिक्योर है और मैन को चलाने में उसको कितना थ्रिल आएगा। आपका काम उनका माइंड बदलना नहीं है। आपको मैन को ये नहीं समझाना कि कार में थ्रिल इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये यकीन दिलाना है कार में जो चीज वो चाहते हैं वो आपकी कार में है। सीक्रेट नंबर 4, नेवर आस्क अन अर्थ। किसी को भी पर्सुएट करने के लिए उसके वैसा करने का कारण उससे कभी नहीं पूछना चाहिए। मान लीजिए एक इंसान को सिगरेट पीना बहुत पसंद है और आप उसकी ये बुरी आदत उससे छुड़वाना चाहते हैं। आप अगर उससे पूछेंगे कि वो स्मोक क्यों करता है, वो उसका कारण नहीं बता पाएगा। अगर वो बता भी दे तो शायद गलत बताए, क्योंकि इसका जवाब उसको खुद ही नहीं पता होगा। उसका अनकॉन्शियस माइंड उससे ये करवाता है। लोगों को पता ही नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस केस में आपको स्मोकर पे रिसर्च करनी पड़ेगी, लोग कैसे स्मोक छोड़ते हैं, इसकी डिटेल्ड रिसर्च। इस एग्जांपल को हम नेक्स्ट सीक्रेट में कंटिन्यू करते हैं। सीक्रेट नंबर 5, फोकस ऑन फीलिंग। मान लीजिए आपने उस स्मोकर पर रिसर्च की और उसके बेस्ट फ्रेंड से आपको पता चलता है कि उस स्मोकर की एक बेटी है जिसको वो बहुत प्यार करता है। बस अब आपको उस स्मोकर को बताना है कि कैसे सिगरेट उसकी बेटी की जिंदगी पर भी प्रभाव डालता है। अब वो स्मोकर आपकी बात को जरूर सीरियसली लेगा, क्योंकि इसमें उसकी बेटी के साथ इमोशंस भी जुड़े हैं। इमोशंस हमारे डिसीजन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, और किसी को पर्सुएट करने में हम इन इमोशंस की मदद ले सकते हैं। सीक्रेट नंबर 6, क्रिएट
एक्सपीरियंस विद एक्सपेक्टेशंस। एक सर्वे किया गया जिसमें लोगों को दो तरह की कैरेट्स टेस्ट करने को कही गई, एक कैरेट जिस पर मैकडॉनल्ड्स का लेबल लगा था, दूसरा जिस पर कोई भी लेबल नहीं लगा था। जब लोगों ने दोनों को टेस्ट किया तो मैकडॉनल्ड्स लेबल वाली कैरेट्स ज्यादा टेस्टी लगी, जबकि दोनों कैरेट्स सेम थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों के माइंड में एक्सपेक्टेशंस थी कि मैकडॉनल्ड्स का फूड ज्यादा टेस्टी होता है। मान लीजिए छुट्टियों में आप अपने वाइफ को हिल स्टेशन ले जाना चाहते हैं और पास्ट में आपकी वाइफ का हिल स्टेशन का एक्सपीरियंस अच्छा है, आप उनको हिल स्टेशन घुमाने के लिए आसानी से मना सकते हैं और इसके लिए उन्हें पर्सुएट करना भी बहुत ही आसान होगा। सीक्रेट नंबर 7, एड अ लिटिल आर्ट। कोई भी बात क्या है ये मैटर नहीं करती, वो कैसे कही गई ये मैटर जरूर करती है। हमें अपनी बात कम शब्दों में क्लियर कहनी चाहिए। मान लीजिए आपने मुझे ड्रिंक ऑफर की और मैंने आपसे कहा मैं आज रात आपके साथ ड्रिंक नहीं कर सकता, मैंने ड्राइव करके घर जाना है। अगर ड्रिंक करूंगा तो ड्राइव कैसे करूंगा, ड्रिंक करके ड्राइव करना तो रिस्की हो सकता है। इतना लंबा कहने की बजाय मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने ड्राइव खुद करनी है, मैं आज आपके साथ ड्रिंक नहीं कर पाऊंगा। लाइक करें अगर ये सीक्रेट्स आपको पसंद आए, अपने व्यूज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को मेरे को सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और हाँ, शेयर जरूर करें ताकि औरों को भी इसका फायदा हो।